दोस्तों ये एक ऐसा चूर्ण है जो आपकी धातु को पुष्ट करेगा, धातु वर्धक है, धातु को बढ़ाएगा, वीर को गाढ़ा करेगा। इसके सेवन करने से धातु गाढ़ा हो जाता है तथा स्वप्न दोष दूर होकर शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है, बशर्ते ये आपको असली मिलना चाहिए। अगर असली नहीं मिल रहा है तो आप घर पर बना के तैयार कर लो यार, क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा अभी आप इसको तैयार करने का तरीका। लेकिन उससे पहले मेरा पिछला वीडियो जो इधर मैं आई बटन पे आपको उसका लिंक दे दूंगा, सबसे पहले कब्ज अपनी दूर करना। जिन लोगों का कब्ज है, जिन लोगों को खाना जल्दी नहीं पचता, हजम नहीं होता, जिन लोगों को कब्ज की समस्या है, तो वो लोग इस वीडियो को देखें, पर सबसे पहले अपनी कब्ज खत्म करें, उसके बाद ही इसका सेवन। मार्केट में मिलने वाले जो पाउडर है वो मशीनों में पीसे जाते हैं, उनका जो जड़ी बूटियां होती हैं उनके गुणधर्म जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चीड़ हो जाते हैं। आपको मिलता है पिसा हुआ कोयला या राख, उनकी बची हुई राख जिनको गोली में ऐसे बंद कर करके आपको दे दिया जाता, ठीक है, तो उनसे दूर रहे। और जो मैं बता रहा हूँ इसको बना के आप तैयार कर सकते हो। चलिए बताते हैं इसको बनाने का तरीका। तो दोस्तों ये जो पाउडर है इसका नाम है धातु पौष्टिक चूर्ण, जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा, पर आपको कभी भी किसी ने ये नहीं बताया होगा, जिनकी पाचन क्रिया, जिन लोगों की पाचन क्रिया कमजोर है, उन लोगों को कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। करना तब चाहिए जब उनकी पाचन क्रिया जो है बिल्कुल ठीक हो जाए तब। तो चलिए इसको बनाने का तरीका बताते हैं, और किन किन को ये सेवन करना है वो भी बताएंगे, क्या इसके लाभ है वो तो मैंने बता दिए, और भी लाभ इसके बताएंगे, पूरा बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। अपना कागज पेन लेकर बैठ जाइए, वीडियो को लाइक करके सेव करके रख लीजिए। धातु पौष्टिक यानी सत्वर्यादि चूर्ण, इसको बनाने का तरीका मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। तो आप इसको घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सतावरी चाहिए, लिख लो सतावरी चाहिए, घोकरू बड़ा वाला, बड़ा बड़ा वाला घोकरू चाहिए आपको, बीज बंद चाहिए आपको, कबाब चीनी, चोब चीनी, बंसलोचन, कोच के बीज, सफेद मूसली, दोनों मतलब काली मूसली और सफेद मूसली दोनों आपको चाहिए होंगी, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, सालम पंजा, बिदारी कंद और असगंध, इन सबको 100-100 ग्राम की मात्रा में ले आना। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, 100-100 ग्राम की मात्रा में ले आना। ये मुश्किल से आपका, मैं कितना बताऊँ, 100-100 रुपए का ही मान लो तो 1000-1200 रुपए का हो जाएगा, पर हो जाए तो 1 किलो हो जाएगा ना, आप कम कम 50-50 ग्राम ले आना। उसके बाद निशोत चाहिए होगा आपको 60 ग्राम निशोत, इनकी मात्रा जो है वो जरा ध्यान में रखना, 60 ग्राम निशोत चाहिए, और इसमें आपको चाहिए होगी। और हाँ, अगर आप शुगर के पेशेंट है तो इसमें आप मिश्री नहीं डालेंगे, और अगर शुगर के पेशेंट नहीं है तो इसमें आप 200 ग्राम की मात्रा में शुद्ध और असली जो हमारी धागे वाली मिश्री आती है उसको डालेंगे। अब इन सब चीजों को एकत्र कर एक दिन अच्छी धूप दे देना, अच्छी मतलब कड़क कर लेना, उसके बाद इसको चाहे हाथ की चक्की में डाल के पिसवा लो, अपने गांव, आप गांव के आसपास रहते हो या आपके घर में कहीं भी मम्मी पापा, पुराने जमाने में जो चक्की होती है हाथ से चलाने वाली, अगर वो मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। आप मिक्सी से पूछोगे और उसको उससे पीसोगे, इतने गुणधर्म ज़्यादा हो जाते हैं, ये औषधि एकदम अमृत समान हो जाती है अगर आप हाथ से पीसोगे या हाथ से खल्लड़ से कूटोगे, बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप ऐसे साधन ना होने की वजह से आप इसको मिक्सी से पीस सकते हैं, बशर्ते इसको एक दिन की धूप जरूर दे देना, क्योंकि जल्दी ये पिस जाएगा, ठीक है, इससे जल्दी पिस जाएगा। अब इसको पीस कर कपड़े से छान कर, सूती का आप थोड़ा वैसा कपड़ा या छन्नी जो आती है, आजकल छन्नी आने लगी है, मैदा वाली छन्नी, उससे छान कर 3-4 बार उससे छानोगे, पीसोगे, छानोगे, पीसोगे, छानोगे, तो बहुत ही बारीक पाउडर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से बंद करके रख लेना है, सब चीज़ मैंने समझा दिया आपको, बंद करके रख लेना। अब इसका, इसको खाने का तरीका मैं बता दूँ आपको, खाने का तरीका क्या है, देखो अगर आपको ज़्यादा समय तक इसको चलाना है तो आप इसमें मिश्री मत डालना, जब भी आप खाएं तब इसमें 1 चम्मच पाउडर आप सत्वर्यादि चूर्ण मात्र धातु पौष्टिक चूर्ण का ले रहे हैं तो 1 चम्मच इसमें आप मिश्री का पाउडर मिक्स करके इसको खा सकते हैं। अब सेवन विधि आपको बता दूँ क्या है, सेवन विधि का तरीका जो है वो है 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार, 5-5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन कराएं। आजकल तो लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, वो 13-14-15 साल की उम्र से ही ऐसे लगते हैं कि 20 साल के हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर उनको समस्या है तो। पर इसको सेवन करने का तरीका जो है गाय के दूध से बताया गया है, आप गाय के दूध की जगह पे भैंस का दूध लोगे, पर भैंस का दूध कैसे लेना है, एक एक छोटी छोटी बात मैं बता दूंगा, भैंस का दूध ऐसे ही मत लेना,
आप एक गिलास भैंस का दूध लो, एक गिलास उसमें पानी डालो, उसको उबालो, या आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी, उन दोनों को मिक्स करके एक गिलास बनाओ, उसको एक उबाल आने के बाद उस दूध को निकाल लो, और जो भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया हो 10-20 ग्राम, बाकी आप 100 ग्राम का दूध है अगर, तो उसमें 80 ग्राम रह जाएगा एक उबाल आने के बाद, बस उसको निकाल के, ये पतला दूध हो जाएगा, ये जल्दी सुपाच्य होता है, और ये दवाई जो है, ये जो आप खाएंगे पाउडर, इसको भी जल्दी आपके पेट में घोल देगा और जल्दी पचा देगा। आप गाढ़े दूध से इसको खाओगे तो वैसे भी ये जो पाउडर है वो पचाने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, पचने में, अगर आप गाढ़े दूध से खाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। देखो गाय का दूध हमेशा क्यों बताया जाता है, गाय का दूध जो है पतला होता है, सुपाच्य होता है, पचने में जल्दी पचता है और जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाता है। गाय और भैंस का दूध जो है वो गाढ़ा होता है, उसको पचने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसलिए गाय का दूध हमेशा बताया जाता है। अब इसके फायदे जो हैं वो भी मैं आपको गिना देता हूं। तो दोस्तों फायदे तो मैंने बता दिए, जिन लोगों को धातु से संबंधित प्रॉब्लम है, इसका नाम ही है धातु पौष्टिक चूर्ण, जिन लोगों को स्वप्न दोष होता है, नाइट फॉल की समस्या है, जिनको धातु जिनका पतला हो गया है, धातु बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिनका धातु बिल्कुल ख़त्म हो गया है, धातु बनता नहीं है, शुक्राणुओं की कमी आ गई है, ये एकदम धातु पुष्ट कर आपके शरीर को बहुत ही बलवान बना देगा। आप 45 दिन का कोर्स कर लेना इसका, 45 दिन के अंदर अंदर ये आपको बिल्कुल ठीक कर देगा, कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। मुझे तो आप जानते हो, मैं हूँ डॉक्टर अजय कुमार, चलता हूँ फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा। और कोई भी आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत हो, कुछ भी आपको चाहिए हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना या फिर आप www.ajayurveda.com पे सर्च करना एक बार गूगल पे, आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से थोड़े बहुत प्रोडक्ट हैं अपने जो हाथ से बनाकर तैयार करते हैं वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं हम, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे न्यू में, तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, घर वालों का, नमस्कार।